पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9778567648586984798104375798104369400। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम अरहम नमः। अरहम 40 के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम मिसागर जी महाराज की जय। आज हम मंत्रराज अरहम का पदस्थ धर्म ध्यान करेंगे। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने चेहरे पर ध्यान लाएं, नाक के छिद्र पर ध्यान लाएं, आंखों के पास ध्यान लाएं। अपने शरीर के बाहर अरहम के बड़े बड़े अक्षरों को लिखा हुआ देखें, बड़ा बनाएं। जितना आप अपने मन में बड़े से बड़ा अरहम इमेजिन कर सकते हैं, आप अरहम की पूरे खुले आकाश में बड़े से बड़े अक्षर की अपने अंदर एक इमेजिनेशन करें। उस आ के साथ ही ह अक्षर की खूब बड़ा, उसके ऊपर एक रेफ है और वह बिंदु उसके अंदर है चंद्र बिंदु के साथ में। ऐसे उस अरहम को बहुत बड़े, उस अरहम के मंत्र को मानो वह मंत्र नहीं है किसी देवता का, किसी सिद्ध देवता का वह आकार है और वह मंत्र रूप मूर्ति पूरे आकाश में चारों ओर भ्रमण कर रही है। वह अरहम के अक्षर कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी और बहुत बड़े हो जाते हैं। मन चाहे तरीके से उनमें परिवर्तन होता है, मन चाहे तरीके से उनका गमन हो रहा है, मानो वह निर्द्वंद होकर बिना किसी रोक टोक के आकाश में सर्वत्र ऐसे विचरण कर रहा है जैसे सर्वज्ञ भगवान जिन देव विचरण करते हैं। कोई भी उस मंत्र शरीर को रोकने में समर्थ नहीं है,
पूरे जगत में वंदनीय ज्ञान का बीज, महान ऐश्वर्य को धारण करने वाला, मंत्रों में महेश्वर कहलाने वाला वह पवित्र मंत्र अरहम का ध्यान इसी रूप में निरंतर करते रहें। आकृतियां उसके साइज आप अपने मन के अनुसार चेंज करते रहें, कभी छोटा कभी बड़ा। अपनी श्वास पर ध्यान लाते हुए अपने हृदय स्थान में श्वास को रोकते हुए क्षणभर के लिए यह महसूस करें कि वही मंत्र बाहर का घूमते घूमते हमारे हृदय स्थान में, हृदय के मध्य कमल पर आसीन हो गया है। गहरी लंबी एक श्वास लें और उस श्वास को रोक के रखें। कुंभक के रूप में उस श्वास को रोक कर रखें और जहाँ जहाँ आपको जोर देने की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ पर आप कुंभक कर लें। अगर ये श्वास धीमे धीमे छूटती भी जाए तो आसानी से छूट जाने दें, और जब छूट जाए तो पुनः कुंभक की विधि को अपना लें। धैर्य के साथ बार बार कुंभक करते हुए इस मंत्राश का ध्यान करना है। सफ़ेद रंग के सुंदर अक्षरों में, चमकते हुए अक्षरों में यह अरहम हमारे शरीर के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें तैर रहा है, आकाश में घूम रहा है। कुंभक करके इसको अपनी भौहों की लताओं में, जो अपने भौहें की लकीरें हैं उस पर इसको घूमता हुआ देखें, इस फरायमान देखें अपनी भौहों पर। फिर से कुंभक करें और इस कुंभक के साथ में इसी अरहम को अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ देखें। कुंभक के साथ पूरा ध्यान मुख कमल में इस अरहम को ध्यान करते में लगाए रखें। श्वास धीमे धीमे छूट जाती है। फिर से श्वास लेकर कुंभक करें और महसूस करें कि यह तालु के छिद्र से गमन कर रहा है ऊपर की ओर अरहम। जब ये ऊपर तालु छिद्र से गमन कर रहा है तो उस समय पर एक अमृत का झरना जल की तरह झरता है। उस सुंदर से चंद्रमा के समान शीतल शुभ्र अरहम के अक्षरों को फिर से कुंभक करते हुए नेत्रों की पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ देखें। नेत्रों की पलकों पर वह अरहम छाया रहा, इधर उधर घूम रहा, नेत्रों की पलकों पर स्फुरित हो रहा है। फिर गहरी लंबी श्वास लें, कुंभक के साथ में इसी अरहम को अपने बालों के ऊपर स्थित होता हुआ देखें, केश पर। पुनः फिर श्वास गहरी लंबी लेकर के उस श्वास को रोकें और पूरा अरहम पर ध्यान देते हुए उस अरहम को ज्योतिष मंडल में घूमता हुआ देखें। घूम रहा है ऊपर आकाश में, जहाँ सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, उस ज्योतिष मंडल की हर एक तारे के पास में हर एक चंद्रमा, अनेक सूर्य हैं, अनेक चंद्रमा हैं, एक राजू तक फैले हुए असंख्यात सूर्य चंद्रमा असंख्यात तारे, उन सब के बीच में निराबाद घूम रहा है।
इस अरहम की शक्ति, अरहम का प्रकाश चंद्रमा से भी बढ़ करके है। चंद्रमा के विमान के समक्ष आकर के, चंद्रमा के समक्ष यह स्पर्धा कर रहा है। बार बार चंद्रमा के बाहरी विमान के उस तल से टकरा रहा है जहाँ पर चंद्रमा की किरणें फैल रही हैं, वहीं पर इस अरहम की किरणें उस चंद्रमा की किरणों से भी ज़्यादा हैं और उसी के साथ वह बार बार टकरा रहा है, उसी से स्पर्धा कर रहा है। चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशमान होने के कारण से चंद्रमा से बार बार उलझ रहा है, घूम रहा है, क्षण भर में दिशाओं में संचार करने लग जाता है, कभी पूर्व दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कभी विदिशाओं में, सब जगह यह दिशाओं में निर्द्वंद होकर के विचरण कर रहा है। बहुत लंबा दूर दूर तक आकाश में उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है, जैसे कोई बार बार अपने प्रतिद्वंदी से टकराता है, वैसे ही ये फिर से चंद्रमा के पास में आकर के टकराने लगा। चंद्रमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और चंद्रमा के अंदर जो कलंक दिखाई दे रहा है उसको भी यह धोता हुआ, उस कलंक, चंद्रमा के कलंक को भी साफ करता हुआ, इतना ज़्यादा तेज प्रकाश इस अरहम के अंदर है कि उस चंद्रमा के कलंक को साफ करता हुआ उसके पार निकल गया। मानो इसने संसार के सब भ्रमों को दूर कर दिया और यह सब पहाड़ों पर, पर्वतों पर, नदियों पर, समुद्रों में, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थानों में भी निराबाद होकर के विचरण करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सभी स्वर्ग के विमानों पर पहुँच कर के 16वें स्वर्ग तक के विमान की यात्रा कर चुका है और ऊपर चलता चला जा रहा है। इस अरहम को रोकने वाला कोई नहीं। धीमे धीमे निरंतर ऊपर बढ़ते हुए यह सिद्ध शिला तक पहुंच गया, परम स्थान, मोक्ष स्थान को प्राप्त करके, जहां पर मोक्ष लक्ष्मी निवास करती है, सिद्धों का अनंत सुख जहाँ रहता है, सिद्ध अनंत संख्या में जहाँ होते हैं, वहीं पर जाकर के यह उन्हीं से मिलने लग गया, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अंदर अंदर एक एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध बैठे हैं, सब में यह निराबाद रूप से चलता चला जा रहा है। इसे और किसी की शरण नहीं चाहिए, मानो यह कह रहा है मुझे केवल सिद्ध की शरण ही चाहिए, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध स्वरूप है, इसलिए यह सिद्धों की शरण में पहुंचा है। सिद्धम शरणम पवज्जामि, सिद्धम शरणम पवज्जामि, मानो इसके अंदर से आवाज़ आ रही है और यह उन सब सिद्धों को पार करते हुए अनंत में समाहित होता चला जा रहा है। अपने मन को उस अरहम के साथ, उन सिद्धों में इसी तरीके से लीन करें, इसी कुंभक के साथ फिर से कुंभक करें, श्वास लेकर रोक कर, और अपने मन को उसी सिद्ध शिला में, अनंत सिद्धों के बीच में, अरहम के माध्यम से वहीं पर एकाग्र करें, निश्चल रूप से अपने मन को दृढ़ करें। धीरे धीरे महसूस करें इस अरहम के अंदर से अक्षर निकल गया है, विलीन हो गया है, आकाश में कहीं घूम गया है, अक्षर विलीन हो गया। धीरे धीरे देखें जो हा है उस हा के नीचे एक रीकार है, ऊपर रेफ है, चंद्रबिंदु है। धीमे धीमे महसूस करें इस मंत्रराज का जो बिंदु है, अनुस्वार से
वह रहित हो गया है। उसकी जो अर्धचंद्राकार कला है वह भी विलीन हो गई है। नीचे का रेफ ऊपर का रेफ दोनों निकल गया। जो ह अक्षर दिख रहा है वह भी धीरे धीरे आकाश में लुप्त होता चला जा रहा है। कुछ भी उच्चारण के योग्य नहीं बचा। ह अक्षर की एक सूक्ष्म सी रेखा दिखाई दे रही है जो सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यही वह अनाहत देव है। इसी में कुंभक करके अपना ध्यान लगाएं, मन को एकाग्र बनाएं, चित्त को बिल्कुल निश्चल करके उसी अब ह की सूक्ष्म रेखा में ही और उसकी सूक्ष्मता में अपने मन को बढ़ाते चले जाएं। वह रेखा भी छुप गई है और वह भी केवल एक बाल के अग्रभाग बराबर पॉइंट रह गया है। बस उस पर ही हमारा मन टिक गया है, उस पर अपना ध्यान लगाएं। उस सूक्ष्म से पुनः स्थूल की ओर आने की कोशिश करें। अवयवों को जोड़ते चले जाएं। फिर आपके सामने वह अरहम का पूर्ण रूप फिर दिखाई देने लगा। अरहम अरहम आत्माओं में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य प्रकाश पुंज शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूँ और यही रहूँगा। अपने दोनों हाथ घिसकर अपनी आँखों पर रखें। ॐ अरहं परम शांतिः। अरहं शिव ने सच ही लिखा है। अरहं ही जे ज्योति है, अरहं अरहत सिद्ध, अरहं साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध जगत में, अरहम लोक प्रसिद्ध। हे प्रभु, मैं भी अरहम मैं हो जाऊं, बस यही भावना है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए अरहम ज्ञान योग के नाम से। कल के सत्र में हम एक ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करेंगे जब दिल्ली के लाल किला पर 15,000 लोगों ने सामूहिक अरहम ध्यान योग किया। तब तक के लिए सभी को जय चिनिन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?